वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया का यूट्यूब चैनल। आज हम या हमारी टीम के लिए बड़ा ही अद्भुत क्षण है, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम सिवान जिले के दक्षिण छोर यानी रघुनाथपुर के पंजवार गांव पहुंच चुके हैं। और इसी गांव में दक्षिण के गांधी यानी श्री घनश्याम शुक्ला जी रहते हैं और आज वो मेरे साथ में हैं। आप वो गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, तो घनश्याम शुक्ला जी से मैं सबसे पहला ये सवाल उनसे करूंगा कि आपको लोग गुरु जी क्यों कहते हैं? मैं शिक्षक रहा शुरू से ही, और मेरे जीवन में शुरू से जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो सोच ही लिया था कि सबसे बेहतर नौकरी मेरे लिए शिक्षक का है, इससे बेहतर और कुछ नहीं। और गांव में लाइब्रेरी थी 1940 की स्थापित। अब बचपने से छठवां सातवां से मैं पुस्तकालय से संपर्क में आ गया गहराई से, और किताबों को मैं पढ़ा, तो पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना ये मेरे जीवन के केंद्र में हो गया, इसलिए मैं शिक्षक के जीवन को अपनाया। और आज मेरा अपना मूल्यांकन, अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन यह है कि अगला यदि मेरा जन्म होगा तो मैं फिर शिक्षक ही होऊंगा। और मुझे दुनिया में कोई 1 अरब की भी नौकरी देता है, हालांकि 1 अरब की नौकरी मुझे मिलेगी नहीं, लेकिन यह अतिशोक्ति है लिटरेचर साहित्य का कि मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, और मैं चन्ना खा के जंगल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। गुरुजी, ये आप बताइए कि आप इस पंजवार गांव में केजी से लेकर पीजी तक के पढ़ाई का माहौल आपने तैयार किया है, इसके पीछे ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा प्रेरणा है कि आपको इस तरह के छोटे से लेके बड़े महाविद्यालय तक स्थापित करने का आपको प्रेरणा देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश जी, मैं चाहता था कि आज तक कोई प्रश्न आपने कर दिया। इसकी प्रेरणा यह है कि एक तो छठवां सातवां से पुस्तकालय मुझे मिला और बड़े लोगों को पढ़ने का मौका मिला, देश के और दुनिया के विश्व मंच के जो साहित्यकार नाटककार लेखक राजनीतिज्ञ दार्शनिक लोग थे, पढ़ने का मौका मिला। दूसरा, एक पढ़ते पढ़ते हमको साक्षात्कार हुआ, जैसे किसी ईश्वर को किसी का साक्षात्कार होता है, जैसे रामकृष्ण को काली का हुआ, मीरा को कृष्ण का हुआ, तुलसी को राम का हुआ, तो मेरा साक्षात्कार ईश्वर के रूप में शिक्षा का हुआ कि यदि शिक्षा समाज और व्यक्ति में आ जाता है तो बुनियादी उसका परिवर्तन हो जाएगा, अपनी समस्याओं का समाधान वो अपने खोज लेगा, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैंने इस काम में लगा पूरे जी जान से, जो भी मेरा स्तर था, जो भी मेरा पहुंच था आर्थिक या बौद्धिक या सामाजिक, उसको मैंने झोंक दिया। और इतना शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अभी हम संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है कि मैं अभी कुछ कर नहीं पाया। मेरे लाश के भी सामने कोई आता है, शिक्षा का नाम लेता है, तो मेरी लाश खड़ा होकर दौड़ने लगी शिक्षा के प्रति। ये मेरी धारणा, मेरा मूल्यांकन बना है। आज तक दुनिया का जो विकास हुआ है, जंगल से और मंगल तक जो मनुष्य का यात्रा हुआ है लाखों बरस का, उसके पीछे शिक्षा का बुनियादी मामला है, और हमारे ऋषि महर्षि सा विद्या या विमुक्त है, यही प्रेरणा। आप जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, तो इन आंदोलन को करने के पीछे आपका मतलब क्या विचार रहा, क्या तर्क रहा? बहुत अच्छा प्रश्न राजेश जी, बहुत मैं खुश हुआ यार। मैं गरीब लोगों को गांव में देखा दो तरह से, आर्थिक भी या सामाजिक। सवर्ण और अवर्ण का जो दलित व्यवस्था रहा, मैं दलित लोगों को देखा, जो जुल्म ऊपर वाले लोगों के द्वारा उनकी पीड़ा, तो मेरे दिमाग में हुआ कि राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन हो तो ये लोग बदल सकते हैं, उनकी गरीबी बदल सकती है। दुनिया में मनुष्य को पहले रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद दुनिया का और कोई चीज। तो राजनीति में आने का मेरा ये कहीं प्रेरणा था कि समाजवाद से, जेपी आंदोलन से गरीबी दूर होगी, आर्थिक समस्या का भी, असामाजिक भी जो लैंगिक जातिगत विषमता है, ये सब दूर होगा और मनुष्य को एक विकास के पॉइंट पर ले जाएगा, यही प्रेरणा राजनीति में आने।
जाहिर सी बात है आपकी उम्र 60 से ज्यादा है, लेकिन आप कौन सा ऐसा उपाय करते हैं कि आप हमेशा तरोताजा रहते हैं और इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं? आज के नौजवान भी इतना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप इतना अपने आप को नौजवान कैसे बनाए रखते हैं? राजेश जी का बड़ा विचित्र प्रश्न है। आज तक मैं ये खुद नहीं समझ पाया कि ये क्या मामला है कि 3 बजे भोर से 7-8 बजे रात तक लगातार भी मैं श्रम, शारीरिक श्रम करूं, मानसिक श्रम, मुझ में थकावट नहीं होती है। लगातार महीना महीना दिन मैंने 16-16 घंटा काम किया, लेकिन कुछ थकावट का पता नहीं चलता है। उतना ही मैं उर्जोसित, उतना ही मैं आनंदित काम में लगा हुआ। 40-50 मिनट साइकिल चलाना, दिन का जो काम हमको दे दीजिए, लेकिन खुद मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा क्यों है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, 73 का उम्र मैं पार कर रहा हूँ और मैं ठीक एक नौजवान से भी आगे जाने का मेरे भीतर मामला है। मुझको जितना आप खटा लीजिए एकदम, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ये मामला कहाँ से इतना उर्जोसित मैं क्यों हूँ। एक हम लोग के समाज और संस्कृति के एक जीवंत व्यक्ति का आज जन्मदिवस है। आज जन्मदिवस है, अगर बच्चा छोटा रहता है तो माँ उसको कन्हैया कह के पुकारती है। बच्चा जब बड़ा होता है, नटखट होता है, तो माँ उसको कहती है क्या रास रचा रहे हो। और जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो नाग को नाथ देते हैं, पुतना का वध कर देते हैं। और जब वो बहुत बड़े होते हैं तो वो एक ऐसा ग्रंथ का रचना कर देते हैं कि जिस पर हजारों नोबेल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो आपका भी नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है घनश्याम, और आज उनका जन्मदिवस है। आज इस पूरी सृष्टि को पता है कि इस संसार का दुख हरने के लिए घनश्याम अवतरित हो गया है। शायद आप भी पंजवार की धरती पर ऐसे अवतरित हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा, अपने नाम के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। इतना अच्छा अच्छा प्रश्न राजेश जी का हो रहा है कि मैं इस इंटरव्यू से मैं बहुत अभिभूत हूँ। आज कृष्ण का जन्मदिन है और दुनिया में और हिंदुस्तान में कृष्ण का एक यूनिक खास व्यक्तित्व है, जो युद्ध के डायरेक्टर निर्देशक भी हैं और माँ भारत के रचयिता भी हैं, रास के रचाने वाले भी हैं। अब बेहतर बांसुरी बजाने वाले जब जंगल में बांसुरी बजाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश जमुना का जल और वायु तक रुक जाता, बाघ भी सुनने के लिए आ जाता है, ग्वाल बाल जिस रूप में है सुनने के लिए आते हैं। इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा युद्ध करने वाला, दोनों का ये संगम दुनिया के एक व्यक्तित्व में मैंने देखा और कृष्ण के। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध, अखासुर, नगासुर, बकासुर, कालिया दमन को नाथ के और उनके सिर पे खड़ा होके और बांसुरी बजाता हुआ वह व्यक्तित्व। और यदि पांडवों के साथ कृष्ण नहीं होते तो उन्हें लड़ाई जीत नहीं पाते। और दार्शनिक किताब जो उन्होंने दिया वो गीता, उसका मैं जितना जानता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं सब बात जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ अभी तक दुनिया में बाइबिल, कुरान, जिंदवेस्ता या बौद्ध दर्शन का त्रिपिटक या वेद उपनिषद, जितने ग्रंथ का मोटा मोटी मैंने जो सुना है, पढ़ा है, उसमें गीता जैसा कोई ग्रंथ परफेक्ट लाइफ के लिए, पूर्ण जीवन के लिए नहीं है। पहला वो व्यक्ति है कृष्ण दुनिया का जो कहता है कर्म करो। अभी तक आध्यात्मिक लोग कर्म से थोड़ा हटने की बात कहते हैं, ध्यान लगाना, योग करना। एक वो आध्यात्मिक आदमी है जो कहते हैं कि तुम अर्जुन को भी युद्ध करो। अर्जुन कहता है कि ये मेरे अपने लोग हैं। वो कहते हैं कि अपने जब द्रौपदी का चीर खींचते थे तो कैसे अपने थे, ला के घर में तुम्हें आग लगाते थे तो अपने कैसे थे, तुमको 13 वर्ष तक जंगलों में फेंक दिया ये अपने कैसे थे, और तुमको सुई के नोक भर भी देने के लिए आदाशदारी पर तैयार नहीं, वो अपना कैसे है। और गीता का रण क्षेत्र में जो दार्शनिक उपदेश दिया उन्होंने, वो यूनिक अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। उसका सबसे बेहतर संदेश जो मैंने पाया है, उस पर तो तिलक महाराज का, संत ज्ञानेश्वर का, अरविंद का, राधा कृष्णन का, शंकराचार्य का, यकुब मैसूर का, हजारों व्याख्या है गीता पर। इतना व्याख्या दुनिया के शायद किसी ग्रंथ में हो। लेकिन मैंने जो पाया उसमें से दो चीज, एक तो अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अपना भी कोई हो तो अपने मामा को ही कृष्ण मारते हैं,
और अर्जुन जो मोह पैदा करते हैं दादा और गुरु के, उनको भी मारने के लिए वो प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि अत्याचार को जो सहता है वो अत्याचारी से भी बढ़कर अत्याचारी है। एक अनाचार के खिलाफ लड़ने का जो मादा उनके पास था, इसको मैंने कख गघ पढ़ा जीवन में। दूसरा चीज जो दिया उन्होंने इस धरती को, मां फले सुकदाचन, अनासक्त कर्म योग, कर्म करो उसके फल की आशा मत करो, दुनिया में रहो उससे संपृक्त, माने अपने को उसमें झोंक मत दो, रह के अलग रहो। जैसे पानी में कमल रहता है, पानी में है, कीचड़ में है, लेकिन उससे अलग है। यह संदेश दुनिया को उन्होंने दिया, दुनिया से भागो नहीं, दुनिया को बदलो, राहुल की भाषा में ये कृष्ण का संदेश, ये मैंने कृष्ण से पाया। आपने इस मंजुआर की धरती पर एक महाविद्यालय की नींव रखी है, प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज। बिहार में शिक्षा को लेके बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार का आलम यह है कि शिक्षा का नाम सुनते ही लोग के कान खड़े हो जाते हैं, ना कोई दान देना चाहता है, ना कॉलेज स्थापित करना चाहता है, ना बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं। फिर एक छोटे से गांव में और सिवान शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे महाविद्यालय को स्थापित करके आप शिक्षा का कौन सा लक्ष्य जगाना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, जब ये शुरू करने का तो पहले से मन था, लेकिन वित्तरहित शिक्षा व्यवस्था से मैं शुरू नहीं कर पाया। एक प्रेरणा इससे हमें हुई कि आखिर कोई बच्ची है, यहाँ इंटर कॉलेज है लड़कियों का, अगल बगल भी इंटर कॉलेज है जहाँ से लड़कियां पास करती हैं। अब मैंने राजेश जी, आप लोग भी जानिए, लड़की में टैलेंट प्रतिभा जो है वो अद्भुत है। मैं इस जीवन में लड़कियों से संपर्क में हूँ और देख रहा हूँ उनकी प्रतिभा। तो उनको यदि बीए पास करना होता तो फिर शहर में व्यवस्था नहीं, वो कहाँ जाती? इस प्रेरणा ने हमें महाविद्यालय खुलवाया। एक दूसरा आपका सवाल है कि बहुत भ्रष्टाचार है, ठीक बात है, जितना राजेश जी या राकेश जी या हमारे मित्र लोग भ्रष्टाचार बताएंगे उसके 100 गुना मैं जानता हूं, भ्रष्टाचार के मामले में, शिक्षा विभाग के और मामले में। शिक्षा विभाग का तो तरोताजा उदाहरण है कि 5 लाख रुपया लेके जो टीम यूनिवर्सिटी से आती थी जांच करने, 5 लाख रुपया लेके कागज पर कॉलेज को एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देती थी। मेरा अनापत्ति प्रमाण आंदोलन से मिला, 53 कॉलेजों के बीच में तीनों जिला में एक यही कॉलेज जो बिना पैसे का एनओसी प्राप्त हुआ। भ्रष्टाचार बहुत है, अंधकार बहुत है, लेकिन अंधकार से, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, जुल्म से, अभी मैंने कृष्ण की बात की, घबराना नहीं है, उसमें अपना दीपक। बहुत अंधेरा है तो हम अंधेरा को दूर करने के लिए दीपक ही जला सकते हैं, एक प्रकाश ही फैला सकते हैं। और कभी भी मनुष्य को निराश हताश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बुराई जो है समाज का, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कदाचार हो, जिस रूप में वो हो, वो अस्थाई नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक मानसिक जैसे रोग हो गया, रोग छूटना चाहिए, इसीलिए समाज का वो भी रोग आज नहीं कल छूटेगा। इस प्रेरणा से मैं इस भ्रष्टाचार में भी सदाचार का, शैक्षणिक एक सांस्कृतिक परिवेश का एक मोमबत्ती जलाया है, और इसका उदाहरण है हमारे पास। अभी संजय जी बैठे हैं, संतोष बैठे हैं, संजय एक दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, वहाँ टाटा में एक लड़का मनोज एक फैक्ट्री का मालिक हुआ है दिल्ली में, या अन्य भी एक लड़की सेल्टेक्स अफसर में है वो रांची में, या और भी विद्यार्थी और भी लोग, वो बताएं हमसे जी, आपसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस जीवन में, इस भ्रष्टाचार युग में भी सदाचार फैलाए, जहां है वहां, जिस क्षेत्र में है वहां, तो ये कम बात नहीं है। और गुलामी के दिनों में किसको विश्वास था कि गांधी जी चरखा से आजादी ले लेंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को भी हम अपने आत्मबल से, लड़ाई से हटा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन इसमें जो सदाचार करने वाले हैं या जो अन्याय के खिलाफ लड़, उनको रीढ़ की हड्डी मजबूत करके उसका सामना करना चाहिए, न कि उस काम को छोड़ना चाहिए। आपकी एक और विधा यहाँ देखने को मिलती है 3 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष पिछले 8 वर्षों से यही पंजवार गांव में ही प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज के सामने
भोजपुरिया सम्मेलन आयोजित किया जाता है और ये आखर परिवार के द्वारा और आपके सहयोग से ये भोजपुरिया सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से भोजपुरी की अश्लीलता और भोजपुरी का जो पूरा एक अश्लीलता का नेटवर्क है उसको क्या मतलब तोड़ा जा सकता है, बेधा जा सकता है और भोजपुरी को क्या अपने समाज में फिर एक मातृभाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब संजय जी का ये प्रोग्राम, संजय जी प्रशासनिक अधिकारी और विद्वान हैं, इनका लिखना पढ़ना जो रुचि संपन्नता है वो काबिले गौर है। गांव गौई में रह के ये आखर शुरू किए, हम लोग उसके सहयोगी थे और इनके व्हाट्सएप से पहले 3 मेंबर थे, आज 3 मेंबर से 33,000 मेंबर हुए हैं। आखर इनकी पत्रिका व्हाट्सएप पर निकल रही है और देश विदेश में ये आखर परिवार छा गया है। एक कार्यक्रम में आरा में था, वो स्वस्ति पांडे का कार्यक्रम था, वहां मैंने देखा आरा के पढ़े लिखे लोगों का, आरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट किस तरह से रुचि बनाए हुए हैं और कैसे वहाँ अश्लील गीतों के, भोजपुरी के जो अश्लील पर्याय हो चुका है उसके खिलाफ वहाँ बगावत है, बेगूसराय में, दिल्ली में, सिवान में, और एक नई जो टीम है नौजवानों की वो आ रही है। हमने देखा है आंखों से, हमारा साक्षात दर्शन हुआ। हम दिल्ली में एक नाटक में थे, लाचारी ब्रह्मचारी, उसमें मैंने लोगों को देखा, नौजवान लड़के जेएनयू के जहाँ के राजेश जी हैं, वहां के गरिमा को और लोगों को कि किस तरह से वो इसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और मैंने पहले के प्रश्न में जवाब दिया कि दुनिया में जितनी बुराई बढ़ जाए बुराई समाप्त होगी, अच्छाई के सामने उसको टिकने का कोई सवाल नहीं है। इतने मजबूती से ये नौजवान काम कर रहे हैं भोजपुरिया सोफियान सम्मेलन के कि एक दिन भोजपुरी से अश्लील चीज समाप्त होगा और जो संस्कारित चीज है वो आएगा और हम अपने भाषा और साहित्य का नाम रोशन करेंगे, इस आशा विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं। जी हाँ, एक अंतिम प्रश्न आपसे, अभी आगे आगे आने वाले वर्षों में, आगे आने वाले महीनों में और आपका नया कुछ क्या करने का इरादा है? वाह, हाँ इरादा है। एकाध संजय जी और हमारे जो साथ के रहने वाले लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं मीडिया के सामने हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि कॉलेज का काम रुका हुआ है, कॉलेज जब जल्द जितना जल्दी हो जाए, मैं बेचैन हूं इसके लिए जल्दी हो जाए कि मैं अब दलित बच्चों का, वो बायलॉज बन चुका है 7-8 साल पहले संजय जी वगैरह मिलके बनाए हैं, उसमें जो हमारे यहाँ शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो सबसे पिछड़ा जातिगत आधार पर परिवार है उनको हम बांसफोर कहते हैं, बांसफोर मेहतर नट खानाबदोश लोग, उनके बच्चों को आवासीय एक विद्यालय खोलने का जहां उनका रहना खाना पीना उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा खेल संगीत सब कुछ किया जा सके। उसमें बायलॉज में लिखा गया है 20% अन्य लोग भी, माने सवर्ण भी, गरीब कोई है या विधवा का लड़का है तो उसको भी हम 20% उसमें रखेंगे, 80% उनको रखेंगे। हम पहले ही बताए कि शिक्षा से मनुष्य समाज हर चीज बदल रहा है, ईश्वर के रूप में हमारा साक्षात्कार हुआ है, यदि उनके यहाँ शिक्षा पहुंच जाता है तो जिस तरह से उनका परिवार है वैसे नहीं रहेगा, हम उनका रहन सहन खान पान कपड़ा लत्ता बोली विचार हमारे जैसे हो जाएगा। अब यही प्रेरणा जीवन के सांध्य वेला में हमको हमारा ये अंतिम ध्येय है कि हमारा जीवन उनके सेवा में बीते दलित बच्चों, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है अब इस काम के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी नारद मीडिया टीम के लिए एक बड़ा अविस्मरणीय क्षण है कि आज हम पजवार गांव में दक्षिण के गांधी का साक्षात्कार कर रहे हैं। नारद मीडिया टीम को बस एक ही बात कहनी है, ऐसा अगर व्यक्ति भारतवर्ष के 6 लाख गांव में क्लोन बना के अगर स्थापित कर दिया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी, भारत फिर से परम वैभव को प्राप्त करेगा। गुरुजी, आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और आपने जितना भी चीज सोच रखा है उसको आप अवश्य पूरा करें। धन्यवाद। सादर धन्यवाद नारद मीडिया, मेरे विचारों को
प्रचारित किया, मेरे काम को प्रचारित किया, इसलिए मैं मीडिया का आभारी हूं। और आप लोग सिवान से चल के कहां से चल के आए, मैं तो अपने जगह पर हूं और आपने ऐसा किया, आप साधुवाद के धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।